हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3, मोमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 5, सब्जेक्ट एसएसटी। तो चिल्ड्रन, हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ओके, यानी पृथ्वी का परिक्रमण। तो वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी अपनी धुरी के घूमने के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। द फिक्स्ड पाथ इज द ऑर्बिट। तो पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से घूमती है। यह निश्चित पथ जो है, इसी को कक्ष बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस सीजन। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम है, यानी परिक्रमण के कारण ही मौसम परिवर्तित होता है, उसी का कारण मौसम है। सीजन्स आर काउज्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड आल्सो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण और पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण मौसम होता है, यानी इसी सब के कारण मौसम होते हैं और परिवर्तित होते हैं। व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ लीन्स टुवर्ड्स द सन, द अदर पार्ट लीन्स अवे फ्रॉम द सन। तो जब एक भाग, जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य की ओर झुक जाता है तो दूसरा भाग सूर्य से दूर हो जाता है, है ना। द पार्ट लीनिंग टुवर्ड्स द सन हैज समर सीजन व्हाइल द अदर लीनिंग अवे हिज विंटर सीजन। तो जो भाग सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, यानी सूर्य की ओर झुका वाले भाग में गर्मी होती है, और जो दूसरी ओर झुका रहता है उधर सर्दी होती है। देयर आर मेन सीजन विंटर स्प्रिंग समर एंड ऑटम। तो मुख्य ये चार मौसम है, मुख्य सीजन है कौन कौन से, तो सर्दी, वसंत, गर्मी और पतझड़। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और पतझड़। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसके बारे में बताया है कि कैसे समर होता है, कब समर होता है, कब विंटर होता है, कब स्प्रिंग सीजन आती है और कब ऑटम होता है। सारा कुछ पृथ्वी के गति पर डिपेंड करता है, ओके। इक्विनॉक्सेस एंड सॉल्स्टिसेस, यानी इसको बोलते हैं विषुव और संक्रांति। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ द इक्वल लेंथ। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव दिन कहा जाता है, जब दिन और रात की लंबाई समान होती है, ओके। ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो विषुव के दौरान सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 21 जून एंड 22 दिसंबर आर कॉल्ड समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस रिस्पेक्टिवली। तो 21 जून और 22 दिसंबर को क्रमशः ग्रीष्म संक्रांत, या इसको संक्रांत को अयनांत भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ संक्रांत पढ़ेंगे, ग्रीष्म संक्रांत और शरद संक्रांत के रूप में जाना जाता है, शरद संक्रांत कहा जाता है, ओके। ऑन दिस सॉल्स्टिशेस द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन वन ऑफ द टू ट्रॉपिक्स। तो इन संक्रांत के दौरान
इन संक्रांति पर सूर्य की किरणें सीधे दो कटिबंधीय में से किसी एक पर पड़ती है, है ना। ड्यूरिंग द जून सोल्स्टिस द सन्स रेज शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जून के संक्रांत के दौरान सूर्य की किरणें सीधे कर्क राशि पर या कर्क रेखा पर पड़ती है, और ड्यूरिंग द दिसंबर सोल्स्टिस द सन्स रेज शाइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दिसंबर के संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें सीधे कर्क मकर राशि पर पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। ओके, द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर नॉट सेम ड्यूरिंग दिस टू सॉल्स्टिसेस। तो इन दो संक्रांति के दौरान दिन और रात की जो लंबाई होती है वह बराबर नहीं होती है। ओके,